साल बीत गया दीदी, आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। क्या लग रहा था कि बीच में कि एग्ज़ाम हो पाएगा ये भी नहीं हो पाएगा, ऐसा मन में कुछ चल रहा था? लग रहा था कि नहीं होगा एग्ज़ाम, लेकिन अब इस बार देखते हैं एग्ज़ाम हो रहा है, क्या होता है बहाली में। अच्छा, जो परीक्षा कहीं ना कहीं सोचे होंगे कि फॉर्म भर दिए हैं, दो तीन महीना में परीक्षा हो जाएगा, लेकिन दो साल बीत गया दीदी, उम्मीद क्या लग रहा था कि हो पाएगा भी एग्ज़ाम कि नहीं हो पाएगा? पहले सोच रहे थे कि नहीं होगा एग्ज़ाम, आपका रद्द हो गया, तो अब दो साल के बाद निकला है एग्ज़ाम। कहाँ से आए हुए हैं? हम आए हैं चुकाद गांव, उधर गोला साइड से। गोला से क्या करने आए हुए हैं डीसी कार्यालय दीदी? बस वे एडमिट कार्ड लेने आए। एडमिट कार्ड किस चीज़ का? आप तो लग रहे हैं कि शादीशुदा है। चौकीदार वैकेंसी जो भरे थे ना उसके लिए। चौकीदार वैकेंसी आप भी भरे हुए? हाँ, क्यों नहीं भर सकते तो दीदी। कब भरे थे फॉर्म दादा? फॉर्म आपका 2022 में भरे थे। 2022 से 24 यानी दो साल बाद एडमिट कार्ड मिल रहा है, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी कुछ नहीं है, यहाँ झारखंड में खास करके बेरोजगारी जो है ना एकदम चरम में है। आपका जितना देख रहे हैं एक पोस्ट है हम लोग का गाँव में, आपका संग्रामपुर पंचायत में आबादी कम से कम 20-30 हज़ार है, लड़का खास करके युवा लड़का जो लोग बेरोजगार है, और अभी एक पोस्ट है उसमें देखिए इतना लड़का सब वहीं से। आप सोच सकते हैं एक पोस्ट के लिए आदमी किस तरह हो रहा है यहाँ के मुख्य। जोहार दोस्तों, इस वक्त हम रामगढ़ जिला के डीसी कार्यालय में हैं, देख सकते हैं। आइए, यहाँ पर और भी कुछ छात्र लोग हैं, इन लोग से भी बातचीत करते हैं। जोहार भैया। जोहार भैया, कहाँ से आए हैं आप? दुलमी से आए हैं। दुलमी से? दुलमी छात्र। क्या चीज़ करने के लिए आज यहाँ डीसी कार्यालय आए हुए? यही प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड है उसी को लेने के लिए आए थे। क्या चीज़ का एडमिट कार्ड है? ये चौकीदार वाला है। चौकीदार, कितना दिन पहले फॉर्म भरे थे भैया? लगभग यही 1.5-2 साल हो गया। 1.5-2 साल। क्या उम्मीद लगाए थे कि एग्ज़ाम होगा? सो उम्मीद तो नहीं था, लेकिन यही मतलब खबर आया मीडिया के थ्रू कि जेबी केसेस वाले जितना भी थे वो लोग धरने दिए थे, उसी संज्ञान लिए डीसी साहब और फिर इसका सूचना दिया गया। अच्छा, एडमिट कार्ड आप लोग 1.5-2 साल बाद मिल रहा है, तैयारी किए थे या कर रहे थे या फिर छोड़ दिए थे? तैयारी तो जनरली मतलब कर रहे थे, लेकिन इधर उम्मीद नहीं था, लेकिन फिर देखे कि एक महीना पहले कुछ एक्टिविटी हुआ था इधर जेबी केसेस द्वारा, तो इधर फिर एक्टिव हुए फिर जी। कैसा महसूस हो रहा है? एडमिट कार्ड आप लोग को यहाँ पर दिया जा रहा है, कुछ दिन बाद एग्ज़ाम है, हो सकता है कि आप एग्ज़ाम पास कर जाए, आपको चौकीदार की बहाली जो प्रक्रिया है उसमें आप सिलेक्शन हो जाए, कितना खुशी महसूस हो रहा है? बहुत अच्छी बात है, एक बेरोजगार लोग की संख्या बढ़ते जा रहा है, इसमें एक हुनर और जो मेहनत लड़का है वो आने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। यही है कि पारदर्शी तरीक़े से और क्लीन मतलब क्लियर और जो मेरिट में है वास्तविक उसी का मतलब होना चाहिए, मतलब कि पारदर्शिता रूप से एग्ज़ाम होना चाहिए, फिर होना चाहिए। रुकिए थोड़ा सा दादा, थोड़ा सा दादा, किस चीज़ का यहाँ पर आप लोग आवेदन जमा ले रहे हैं? आवेदन नहीं, एडमिट कार्ड जारी कर रहे हैं, ये चौकीदार भर्ती का, चौकीदार भर्ती हो रहा था उसका एडमिट कार्ड जारी हो रहा है। ये कितना दिन पहले फॉर्म लगभग जमा लिए थे सर आप लोग? एक महीना लगभग से चल रहा है प्रक्रिया। एक महीना से प्रक्रिया चल रहा है, यानी एक महीना पहले आप लोग फॉर्म फिलअप जमा लिए थे क्या? फॉर्म फिलअप बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है, यानी एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है एक महीना पहले से चालू है। 28 तारीख को परीक्षा है जी, 28 जुलाई को परीक्षा है। 28 जुलाई को परीक्षा है, तो देख सकते हैं अभी यहाँ जो भी सर लोग हैं ये लोग जो है एडमिट कार्ड बांट रहे हैं छात्रों को, और यहाँ पर भारी संख्या में छात्र यहाँ पर पहुँचे हुए हैं एडमिट कार्ड लेने के लिए, और देख सकते हैं। आइए, और भी कुछ दादा लोग हैं, इन लोग से भी पूछते हैं कहाँ से आए हुए हैं। दादा एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? मेरा लगन महतो। कहाँ से आए हैं? गोला से। गोला से कब फॉर्म भरे थे दादा? चौकीदार वाला? चौकीदार वाला भरे थे वही 2022 में। 2022 में? 2022 से आज 24 हो गया, दो साल बाद आप लोग को एडमिट कार्ड मिल रहा है, क्या बोलिएगा? हम यही बोलेंगे कि इतना लेट नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। थोड़ा जल्दी अगर मिलता तो जो भी कैंडिडेट का अगर सिलेक्शन होना रहता पहले ही सिलेक्शन हो जाता, बस हम यही कहना चाहेंगे जी। जी, आप कहाँ से आए हैं? जी हम रामगढ़ जिला गोला प्रखंड के संग्रामपुर गांव से। संग्रामपुर से कब भरे थे फॉर्म दादा? फॉर्म आपका 2022 में भरे थे। 2022 से 24 यानी दो साल बाद एडमिट कार्ड मिल रहा है, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी कुछ नहीं है, यहाँ झारखंड में खास करके बेरोजगारी जो है ना एकदम चरम में है। आपका जितना देख रहे हैं एक पोस्ट है हम लोग का गाँव में, आपका संग्रामपुर पंचायत में आबादी कम से कम 20-30 हज़ार है, लड़का खास करके युवा लड़का जो लोग बेरोजगार है, और अभी एक पोस्ट है उसमें देखिए इतना लड़का सब वहीं से। आप सोच सकते हैं एक पोस्ट के लिए आदमी किस तरह हो रहा है
यहाँ के मुख्यमंत्री है, यहाँ बहुत से ऐसे पेंडिंग वगैरह रिजल्ट है, उस सब पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, समझे ना। आप सोचिए चौकीदार के लिए हम लोग इतना आदमी हैं, आप सोच सकते हैं किसका नौकरी लगेगा, उसका भी गारंटी नहीं। वही हम कहना चाहते हैं कि झारखंड सरकार यहाँ युवाओं के लिए कुछ कर नहीं रही है। जिस तरह बूढ़ा बूढ़ी के लिए पेंशन दिया जा रहा है, उस टाइप का अगर युवाओं के लिए कुछ सोच उनका रहता तो आज ये जो देख रहे हैं इतना लाइन लगा हुआ है, आप देखिए, दिखा सकते हैं आप कैमरा में, उधर वहाँ रामगढ़ जिला है, देख रहे हैं एक भी लड़का नहीं हुआ। यहाँ का माहौल एक अलग है, यहाँ का और हम लोग का देहात में बेरोजगारी बेसी है, हम लोग पलायन में भी चल जाते हैं काम करने के लिए, समझे ना। इसीलिए हम झारखंड सरकार को, देखिए अभी तो कुछ कर नहीं सकती हो, कहे कि लास्ट ई में है, एक दो महीना में आपका देखिए आचार संहिता लगने वाला, यहाँ कुछ नहीं है। हम भी जैसे हमारा बहुत सही है, जैसे जेटेट है, जेटेट वाला में भी हम हैं, उसमें भी कुछ किया नहीं गया है। जेप अभ्यर्थी हम 2011 से हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अभी लड़ रहे हैं, सोचिए। तो इसीलिए हम देखिए चौकीदारी का फॉर्म भर रहे हैं। जी दादा, आप एक चीज़ सवाल है मेरा दिमाग में है, बोले कि हम बीएड किए हुए, तो टीचर वाला छोड़ के आप चपरासी का नौकरी, चौकीदार का नौकरी में बाहर नहीं होगा तो क्या करेगा आदमी, बताइए। यानी ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं, आएंगे ही नीचे, बताइए। अब नहीं होगा वो चीज़, जैसे हम जेटेट कई किए हुए हैं, उतने है, उसमें नहीं अगर करता है तो क्या करेंगे, चौकीदार तो बनेंगे। बेरोजगारी से अच्छा है तो कहीं लटक जाएं तो कम से कम इसमें भी पता चलता है, एक साल शायद रखेगा उसके बाद। अच्छा दादा, 2 साल पहले फॉर्म भरे थे, यानी आप लोगों को लग रहा होगा उस समय कि 2-3 महीना में हम लोग परीक्षा हो जाएगा फेयर एंड क्लीन, तो उस समय पता चल जाएगा, लेकिन 2 साल बीत गया, 2 साल बहुत बड़ा समय होता है। तो आप उस वक्त जो है अपने आप को क्या सोचे कि फॉर्म कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा या फिर और कुछ दिमाग में चल रहा था? नहीं, हालांकि झारखंड में जो है ना खाली फॉर्म भराता है, ठीक है, फॉर्म भराने में ही नहीं है, मगर वो आपका रिजल्ट नहीं देख पाइएगा, समझे ना। यहाँ होता है खाली फॉर्म भरिए, ठीक है, इतना आदमी है इसमें किसका होगा उसका गारंटी नहीं। उस समय तो हमको लगा कि हम शायद भरेंगे, शायद मेरा होगा, ठीक है। ऑब्लिक को भी हम लोग समझ रहे थे, ये भी सीट है, मगर ओनली वन मेरा गाँव से एक सीट है, उसमें हम लोग हजारों अभ्यर्थी, पता नहीं किसका होगा। तो देख सकते हैं यहाँ प्रखंड वाइज एडमिट कार्ड बांटा जा रहा है, यहाँ पर अभी गोला प्रखंड का एडमिट कार्ड इस तरफ बांटा जा रहा है, और उस वक्त जो है उस तरफ रामगढ़ प्रखंड और पतरातू, दुलमी, चितरपुर तमाम प्रखंड का उधर एडमिट कार्ड बांटा जा रहा है। देख सकते हैं उधर दीदी, क्या नाम हुआ आपका? किरण कुमारी। कहाँ से आए हुए हैं? हम आए हैं चुकाद गांव, उधर गोला साइड से। गोला साइड क्या करने आए हुए हैं डीसी कार्यालय दीदी? बस एडमिट कार्ड लेने आए। एडमिट कार्ड किस चीज़ का? आप तो लग रहे हैं कि शादीशुदा है। चौकीदार वैकेंसी जो भरे थे ना उसके लिए। चौकीदार वैकेंसी आप भी भरे हुए? हाँ, क्यों नहीं भर सकते तो दीदी, 2 साल पहले हम फॉर्म भरे हुए थे, आज 2 साल बाद आपको एडमिट कार्ड दिया जा रहा है। कोई मतलब नहीं भैया, जब भी वैकेंसी निकले उसके लिए तैयार होना चाहिए, है ना। धन्यवाद। तो देख सकते हैं दीदी में थोड़ा सा उत्सुकता है, एडमिट कार्ड लेने आई हुई है गोला से, और ये गोला प्रखंड से यहाँ फॉर्म भरी थी, और मात्र गोला प्रखंड में एक सीट है चौकीदार का, और देख सकते हैं कितना अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भरे हुए हैं। फिर भी ये लोग जो है 2 साल से इंतज़ार किया, और फाइनली आज इन लोगों का एडमिट कार्ड मिल चुका है। ये दादा के हाथ में भी है, देखिए एडमिट कार्ड दादा को मिल चुका है। पूछते हैं दादा कहाँ से आए हुए हैं, क्या नाम है दादा आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार जी कहाँ से आए हुए हैं? हम गोला से आए हैं। गोला में जी, गोला में कितना सीट था दादा चौकीदार का? नहीं, पंचायत वाले गांव वाले तो पता नहीं, हम लोग गांव में एक है। अच्छा, फॉर्म कब भरे थे? फॉर्म भरे थे 2022 ग्यारहवें महीने। 22 के बाद आज 2 साल बहुत बड़ा लंबा समय के बाद एडमिट कार्ड मिला है, कैसा खुशी महसूस कर रहे हैं या फिर क्या महसूस कर रहे हैं, कुछ बताइए हमारे चैनल। आगे कुछ होगा तब ना, अभी तो एडमिट कार्ड ना मिला है, एकदम एकदम होगा तो उसके बाद पता चलेगा खुशी है कि नहीं। चलिए चलिए, इन दादा लोग भी है, कहाँ से आए हैं दादा? भैया हम लोग दुलमी प्रखंड से आए हैं। भैया दुलमी प्रखंड से आए हुए, क्या चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पर? चौकीदार भर्ती के लिए। चौकीदार भर्ती के लिए, तो 2 साल के लंबा अंतराल के बाद आप लोग को एग्ज़ाम देने का मौका मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस कुछ नहीं हो रहा भैया, बड़ी तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। कैसा कहा है भैया, सब तो बोल रहे खुशी महसूस है, आप बोल रहे हैं कंटिन्यू आप एग्ज़ाम 2 साल फॉर्म भरे हैं, कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, फिर ब्रेक कर दे रहे हैं, तकलीफ तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है तकलीफ होगा इसमें। अच्छा, क्या उम्मीद लगाए थे फॉर्म भरते वक्त कि 3 महीना में एग्जाम हो जाएगा, फाइनली पता चल जाएगा कि हम चौकीदार बनेंगे या नहीं बनेंगे? लेकिन 2 साल आप लोग को इंतजार करवाया, रामगढ़ डीसी या फिर जो भी चौकीदार का आवेदन लिए थे वो लोग 2 साल तक आप लोग को झेला दिए क्या? बहुत बहुत सही बात बोल रहे हैं भैया, 2 साल झेला गए हम लोग। 2 साल झेला गए, तो तैयारी वगैरह कर रहे थे या फिर छोड़ दिए थे, उम्मीद छोड़ दिए? बीच में तैयारी, शुरुआती तैयारी अच्छा किए थे, बीच में छूट गया, सोचे आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं।
फिर तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो देख सकते हैं अभी छात्र लोग उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि कहीं ना कहीं कि ये लोग सोच रहे थे कि फॉर्म कैंसिल ना हो जाए, और इसी के वजह से ये लोग कोई तैयारी कर रहे थे, कोई बिना तैयारी के आए हुए हैं और अभी तैयारी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपको भी एडमिट कार्ड लेना है? एडमिट कार्ड मिल गया है। मिल गया? आप दादा कहाँ से आप हैं? दुलमी प्रखंड के पोटमदगा गांव से। पोटमदगा, दुलमी प्रखंड के पोटमदगा गांव से। कैसा महसूस कर रहे हैं? आप भी कुछ हमारे चैनल में दो शब्द बोलिए, क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ छात्र लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं और दो साल बीतने के बाद आज आप लोग का एग्ज़ाम 28 जुलाई को है, तो दो शब्द बताइए हमारे चैनल में। खुशी तो उतना नहीं हो रहा है, कि बीच में तैयारी था और तैयारी छूट गया है और अब उतना तैयारी नहीं हो पाया, अचानक कर दिया। हमको तो लग रहा था कि स्थगित ना हो जाए, कहे कि 21 तारीख को था एग्ज़ाम, लेकिन बढ़ा के अब 28 कर दिया, और पता नहीं अब ई वी रात हो जाएगा क्या संभावना, मुश्किल कहना है। तो देख सकते हैं अभी तमाम छात्रों में जो है खुशी का माहौल नहीं है, फिर भी और भी एक दीदी लोग हैं, उन लोग से भी पूछते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? संगीता देवी। कहाँ से आए हैं? गोला से। गोला से क्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं? यहाँ ऐसे ही आए। ऐसे ही आए हैं? आप फॉर्म नहीं भरे थे चौकीदार का? नहीं नहीं भरे थे। अच्छा दीदी, आप क्या यहाँ एडमिट कार्ड डाल रहे हैं, कहाँ से आए हैं? गोला प्रखंड से। गोला से। कब फॉर्म भरे थे दीदी? 2022 में। 2022 में, लंबा समय बीत गया, दो साल बाद एडमिट कार्ड आपके हाथों में, कैसे महसूस कर रहे हैं? दो शब्द हमारे जो दर्शक हैं, जो देखते हैं, जो परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षा में बैठते हैं, उन लोगों के लिए दो शब्द बोल दीजिए कि कैसा महसूस हो रहा है आपको। अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा हाँ। है। तो दो साल बाद एग्ज़ाम ले रहा है, कितना तैयारी किए करके रखे हैं दो साल में? तैयारी किए हैं, बहुत कुछ किए हैं तैयारी। तैयारी किए हैं तो दो साल के बाद अभी एग्ज़ाम हो रहा है। अच्छा लगा, कहीं ना कहीं सोचे होंगे कि फॉर्म भर दिए हैं, दो तीन महीने में परीक्षा हो जाएगा, लेकिन दो साल बीत गया दीदी, उम्मीद क्या लग रहा था कि हो पाएगा भी एग्ज़ाम कि नहीं हो पाएगा? पहले सोच रहे थे कि नहीं होगा एग्ज़ाम, आपका रद्द हो गया, तो अब दो साल के बाद निकला है एग्ज़ाम। तो देख सकते हैं तमाम छात्र कहीं ना कहीं सबको उम्मीद छोड़ दिए थे कि चौकीदार बहाली की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो JBKSS के अथक प्रयास से आज ये संभव हो पाया है। कहाँ लाइन लगे हैं दादा, क्या लेने के लिए लाइन लगे? सुनिए इधर, एडमिट कार्ड लेने के लिए लाइन में लगी, लाइन में सीधी लाइन में, ठीक है, टेढ़ी लाइन में नहीं, देखने के चक्कर। ठीक है पूरा सीधा। दादा ये बताइए कहाँ से आए हैं? गोला से हैं। गोला से आए हुए हैं। किस चीज़ का एडमिट कार्ड लेने के लिए लाइन में आप लोगों को लगाया जा रहा है? चौकीदार का है। चौकीदार का। दादा आप तो लगने से लगता है कि आप काफ़ी उमसदरार लग रहे हैं, 30-35 साल के से कम नहीं लग रहे हैं। तो आप इतने समय में मतलब चौकीदार का फॉर्म भरे थे और दो साल बाद आपको एडमिट कार्ड मिल रहा है, ऐसे में क्या बोलिएगा हमारे दर्शकों को? क्या बोलेंगे, इसको पहले करना चाहिए, मगर बहुत साल लेट कर दिया सरकार, लेट कर दिया, पहले होना चाहिए था। उम्मीद किए थे कि जब फॉर्म आप लोग भर रहे थे तो जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए, दो तीन महीना के अंदर में। जी वो समय तो ऐसा बोला गया था, मगर नहीं हुआ। नहीं, दो तीन महीना के अंदर होना चाहिए था, लेकिन दो तीन साल लग गया। हाँ दो तीन साल लग गया। तो देख सकते हैं यहाँ छात्रों के भविष्य के साथ कितना जो है खिलवाड़ होता है झारखंड में, आप लोग समझ सकते हैं। जहाँ दो महीना तीन महीना के अंतराल में परीक्षा हो जाना चाहिए था, किंतु नहीं हो पाया। आप कहाँ से आए दादा? हम गोला से आए। आप भी गोला से आए? चौकीदार बहाली का मतलब एडमिट कार्ड लेने के लिए? हाँ एडमिट कार्ड लेने के लिए। तैयारी कितना कर रखे हैं चौकीदार के लिए? रिजल्ट के बाद पता चलेगा। रिजल्ट के बाद पता चलेगा। चलिए अच्छा, खुशी महसूस कर रहे हैं या कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी कुछ बताइए। खुशी महसूस कर रहे हैं। खुशी महसूस कर रहे हैं, ठीक। चलिए एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो या ना हो, कम से कम बैठने का मौका मिला। मौका तो मिला। अच्छा धांधली होने का क्या उम्मीद है, कि जैसे हर एग्ज़ाम में धांधली हो जाता है, क्या लगता है चौकीदार में भी ऐसा देखने को मिलेगा क्या? ये तो मालूम नहीं है। ये तो मालूम नहीं। तो देख सकते हैं अभी तमाम छात्र अपने एडमिट कार्ड लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और छात्रों में उमंग है, कहीं ना कहीं खुशी का भी माहौल है और अंदर से साफ इन लोग का जो है झलक रहा है कि अंदर से कहीं ना कहीं दुखी है, फिर भी जो है ये लोग, एक और भी यहाँ पर दादा है, इन लोग से भी बात की। जोहार दा। हाँ दा, एडमिट कार्ड लिए क्या? नहीं अभी लेने के लिए आए हैं। लेने के लिए आए? जी। दीदी, एक दीदी भी है, दीदी थोड़ा एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? राधा रानी। क्या आप एडमिट कार्ड लेने के लिए आए हुए? हाँ एडमिट कार्ड लेने जी। तो चौकीदार की बहाली का फॉर्म आप कब भरे थे?
2022 में 2022 से आज 24 हो गया, यानी 2 साल बीत गया दीदी, आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। क्या लग रहा था कि बीच में कि एग्ज़ाम हो पाएगा ये भी नहीं हो पाएगा, ऐसा मन में कुछ चल रहा था? लग रहा था कि नहीं होगा एग्ज़ाम, लेकिन अब इस बार देखते हैं एग्ज़ाम हो रहा है, क्या होता है बहाली में। अच्छा, जो परीक्षा 2-3 महीना में हो जाना चाहिए था लेकिन 2-3 साल बीत गए हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? जो छात्र हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनके लिए 2 शब्द बताइए आप। इसके लिए यही कहेंगे कि जो भी छात्र दे रहे हैं एग्ज़ाम, उन लोग को अच्छा से देना है। इस बार बहाली निकला हुआ है तो हो ही सकता है सबके लिए, अगर अच्छा से देंगे एग्ज़ाम तो होगा। जो अच्छा दीदी, आप तैयारी कर रहे थे 2 साल से या फिर छोड़ दिए थे बीच में? छोड़ दिए थे, लेकिन फिर से पता चला कि हो रहा है तो फिर से तैयारी में लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं ये लोग जो है 2 साल से फॉर्म भर के छोड़े हुए थे, कहीं ना कहीं इन लोग को उम्मीद था कि अब परीक्षा नहीं होगा, उम्मीद टूट गया था, किंतु आज सौभाग्य की बात है कि एक आंदोलन करती है JBKSS रामगढ़ जिला में, एक आंदोलन करती है, पैदल मार्च करती है, उसमें ये साफ आक्रोश जताया गया कि जो चौकीदार की बहाली है वो एग्ज़ाम नहीं ले रही थी, उसके खिलाफ में जो है रामगढ़ के जो भी चौकीदार बहाली की प्रक्रिया जो लिए थे उन लोगों के खिलाफ में एक जोरदार आंदोलन हुआ, पैदल मार्च हुआ, और ये जो पैदल मार्च था वो रामगढ़ कॉलेज गेट से लेकर सुभाष चौक तक किया गया था। उसी के तर्ज पर कहीं ना कहीं संज्ञान में लिए DC साहब, और आज देखिए खुशी का माहौल है कि ये इन लोगों को जो है एडमिट कार्ड वितरण हो रहा है, और आगामी 28 जुलाई को चौकीदार की बहाली रामगढ़ जिला में कंडक्ट कराई जाएगी। अब आगे देखेंगे कि क्या फेयर एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या धांधली में हो जाएगा, या फिर ये भी जो एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं पहले के एग्ज़ाम की तरह बीच में ही लटक ना जाए, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को भी दिखाएंगे फिर से। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।